गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष और नए उपाय की जानकारी दिए हैं। गुरुजी ने कहा कि जिनकी लीवर की बीमारी हो, लीवर काम नहीं कर रहा हो, जिनकी किडनी काम नहीं कर रही हो, कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने कह दिया है, तो आपको इस विशेष और अचूक से रामबाण उपाय को करना है। रोग मुक्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में यानी कि एक कलश में गंगा जल लेना है और उसमें आपको 7 बेलपत्री रखनी है, डालनी है, और उन 7 बेलपत्री को आपको कलश में इस प्रकार डालना है कि जो बेलपत्री होती है उसमें 3 पत्तियां होती है, तो आपको बीच वाली पत्ती को कलश के जल में डुबोना है और जो बाकी की ऊपर की 2 पत्तियां होती है वो कलश के बाहर होनी चाहिए। यानी कि जब हम कलश में आम का पत्ता रखते हैं तो पत्ता आधा जल में डूबा होता है, अंदर होता है और आधा बाहर होता है, वैसे ही आपको बेलपत्री 7 कलश के चारों ओर रखनी है, बीच की जो पत्ती है वो कलश में गंगा जल में डूबी होनी चाहिए और जो बाकी की 2 पत्ती है वो बाहर होनी चाहिए। इस प्रकार आपको गंगा जल में 7 बेलपत्री डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखना है। फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव या अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यः मंत्र का स्मरण करते हुए उस कलश के जल को उठाकर घर ले आना है। कलश में जो बेलपत्री आपने रखी है उस बेलपत्री को आपको शिव जी के मंदिर में ले जाकर समर्पित कर देना है। शिव जी के ऊपर आपको 7 बेलपत्री समर्पित कर देनी है और जो कलश में जो गंगा जल आपने रखा था उस गंगा जल को लेकर घर आ जाना है। और जिस व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है या लीवर खराब हो गई है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है या जिसका डायलिसिस चल रहा है, उसे आपको उस कलश के जल को थोड़ी थोड़ी करके 4 से 5 बार में पूरा पिला देना है, पूरा जल खत्म कर देना है। गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि आपकी सारी बीमारी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और आपका किडनी लीवर फिर से काम करना शुरू हो जाता है और आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। विशेष और आसान सा और बहुत ही नया उपाय है जो गुरुजी ने श्री आरती सीमा अपहरण की कथा में बताए हैं। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए सीमा अपहरण की विशेष उपयोगी बातों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।